मामा। ओके नमस्कार। प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री स्मृति पुरस्कार 2020 दे अर्पण समारोह जड़ा के इस वेले अस वर्चुअल तरीके कन्नै करा करने आं, उस च थोड़ा सभने दा स्वागत है। एक पुरस्कार जड़ा है, इसका स्थापन पद्म श्री प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री हुंदे परिवार ने कीते दा है, पर हर बरे डोगरी संस्था जम्मू दे संरक्षण च इसकी प्रक्रिया की जाती है, तो डोगरी संस्था के मंच उपरा यह प्रदान किया जाता है। अज अस एक ऐसे गै सोभले कार्यक्रम वास्ते कट्ठे हुए हैं। इस कार्यक्रम दियां मुख परौणियां अज साढ़े कन्नै श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी। इन्हां ते कुसै तारुफ दियां मोहताज नहीं हैं, पर कि जे साहित्यक हल्के आस्तै इंदे आस्तै ये भी नवा है, ते साढ़े आस्तै भी ये नवियां न। बेशक डोगरी संस्था डोगरी की स्कूली सिलेबस च उदा बंदा थार दवाने आस्तै जेड़े प्रयास करदी है, उदे च इंदा असेंगी बराबर सहयोग प्राप्त होंदा रौंदा है, ते अस उम्मीद करने आ कि ये सहयोग असेंगी अग्गे भी इ'यां मिलदा रौह। और अज इनेंगी अपने कन्नै इस मंच उपर कन्नै शामिल पाइयै बड़ा अच्छा लगा करदा है। अनुराधा जी, थोड़ा बड़ा बड़ा स्वागत। इस आभासी अध्यक्षी मंडल च इंदे कन्नै न श्री अजीत खजूरिया जी। अजीत खजूरिया जी प्रोफेसर शास्त्री हुंदे सपुत्र न, ते कन्नै गै मौजूद न प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी, डोगरी संस्था दे प्रधान। इसके अलावा हुण जेकर मैं अग्गे बधां स्वागत करने आस्ते, ते सारे कोला पहले मैं स्वागत करनी आ रिटायर्ड कर्नल सुभाष बाली हुंदा। सुभाष बाली और साहित्यक हल्के च राज मनावरी नां कन्नै जाने जंदे न, जाने मनी अस्थि। अज इनेंगी प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री स्मृति पुरस्कार कन्नै सम्मानित करने दे मौके उप्पर इंदा निग्गा स्वागत है। साढ़े कन्नै इस कार्यक्रम च डोगरी संस्था दे अहुदेदारें चा प्रोफेसर वीणा गुप्ता जी, श्री ज्ञानेश्वर जी, श्री सुशील बेगाना जी, जेड़े कि मी स्क्रीन उपर लब्भा करदे न, ते कन्नै मी जिंदी जानकारी है। अगर बाकी और भी अहुदेदार कन्नै शामिल न, ते उंदा भी सभने दा निग्गा स्वागत है। स्वागत है साढ़े व्यूअर्स दा, कि जे ये प्रोग्राम कन्नै गै फेसबुक उपर लाइव है, जेड़े साढ़े कन्नै जुड़े दे न जां अग्गे जुड़दे जाङन, उंदा सभने दा मैं निग्गा स्वागत करनी हाँ। ए ते हा मेरे आसिया थोड़ा जिहा स्वागत। हुण विधिवत तरीके कन्नै स्वागत करने आस्तै मैं निवेदन करनी आ संस्था दे प्रधान प्रोफेसर मगोत्रा होरें गी कि ओह थोड़ा सभने दा स्वागत करन। प्रोफेसर मगोत्रा जी। प्रोफेसर शशि पठानिया जी, तुंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद। दरअसल मेरा मता हारा काम तुसें आसान करी दिता है, तुसें तकरीबन सारे दा स्वागत करी दिता है, लेकिन मी लगदा है कि मैं डोगरी संस्था पासिया विधिवत तरीके कन्नै कुछ ना कुछ थोड़ा जिहा स्वागत करने दी करना चाहिदा, तो कोशिश करंग मैं इस पुरस्कार दे बारे भी थोड़ा जिहा मैं तुसें जानकारी देंग। सारे कोला पहले मैं भी स्वागत करना चाहंग अज दियां इस कार्यक्रम दियां मुख्य अतिथि मानयोग मिसिज अनुराधा गुप्ता जी, जेड़ियां एजुकेशन स्कूल एजुकेशन विभाग दियां डायरेक्टर ने, और ओदे कन्ने गै ए IAS न, और इंदी KAS न, और इंदी मदर टंग जेड़ी है वो डोगरी है। तो मदर टंग डोगरी है, लेकिन इन्हें डोगरी कन्नै वैसे भी बड़ा इरक है, एह गल असें दिक्खी लई। प्रोफेसर शशि पठानी होरें थोड़ा जिहा तुसें इस बारे जानकारी भी देई ओड़ी। और दूआ गल ए है कि ए इस वेले एक ऐसे महकमे दियां डायरेक्टर न जिसका डोगरी दे विकास कन्नै सीधा संबंध है, और स्कूली एजुकेशन च और पढ़ाई च शिक्षा च डोगरी दे विकास दे रस्ते खोलने लई बनाने लई अग्गे बधाने लई काफ़ी कुछ तरीके न, काफ़ी ढंग न, और जिंदे च असेंगी हाली तक पूरे तरीके कन्नै मिसिज
अनुराधा गुप्ता जी का पूरा पूरा सहयोग मिला करता है और असें गी बड़ा अच्छा लगता है। इन्हें आपू भी बड़े इनिशिएटिव ले, सिर्फ ये नहीं कि डोगरी संस्था की सहयोग दिया दी, मैं अपने तौर पर भी, और मैं देखा है कि इन्हें इंदे दिल च डोगरी आस्तै बड़ा हिरख है, बड़ा प्यार है। दूई गल जेड़ी ये है, एक और गल है, वो ये है कि ये इंदा जेड़ा संबंध है या समझो कि इंदा जेड़ा खेतर है वो लिटरेचर है। लिटरेरी खेतर दा कोई व्यक्ति जेड़ा है वो साड़ी डोगरी संस्था के कार्यक्रम च हिस्सा लै, असें बड़ा अच्छा लगता है। तो और उदे इलावा अनुराधा जी साढ़े डोगरी संस्था के कार्यक्रम च पहले बारी आई हैं, इसलिए इंदा खास तौर उपर बड़ा निघा निघा स्वागत है और अस उम्मीद करने हैं कि ये अगे भी साढ़े कार्यक्रम च आंदियां रहूंगन और अस कोशिश करगे कि जिथे भी असें ही मौका मिले अस इनेंगी जरूर बुला करगे और उम्मीद करने हैं कि ये आ करगे। इहदे बाद मैं स्वागत करना चाहंग अज दे कार्यक्रम दा, अज दे जिनेंगी पुरस्कार दिता जाना है, कर्नल राज मनावरी जी। राज मनावरी होरें गी जियां प्रोफेसर शशि पठानिया होरें तुसीं दस्सिया है, उंदा प्रचलित नां जेड़ा है वो है कर्नल सुभाष बाली। ये फौज च रिटायर होए दे, और खास गल ये है कि इन्हें रिटायरमेंट के बाद एक किताब छापी जिसका नाम आम है, जिसके उपर इन्हें गी ये पुरस्कार दिता जा। राज मनावरी और इंदे नां कन्नै मनावरी लगे दा है। साढ़े कोल डोग एक साढ़े इस क्षेत्र दे उर्दू दे बड़े अच्छे शायर जिंदा सारे हिंदुस्तान च नां हा, आबिद मनावरी दे नां कन्नै हा उंदा नां। ओह इंदे रिश्ते च न, ओह इंदे रिश्तेदार ने, इंदे बजुर्ग दे दिन, और इस वास्ते इंदे च इंदे परिवार च साहित्य दी इक धारा बगा करदी है। तो ओह और जेड़ी जिस किताब उपर अस इनेंगी जिस उपर इनेंगी पुरस्कार दिता जा करदा शास्त्री जी दे नाम उपर जेड़ा पुरस्कार इनेंगी मिला करदा है, वो किताब गजलें दी किताब है, ते उहदे च रुबाइयां ते गजलां इंदी पहली किताब है। इयां ते असल च गल इह है कि गजला गजलें अजकल बहुत गजलें दी किताबां लिखियां जा करदियां, डोगरी दियां किताबां वैसे भी काफ़ी लिखियां जा करदियां, पर अजकल गजलें दियां किताबां भी बड़ियां आ करदियां, और हर गजल गो जिहड़ा है हर गजल लिखने वाला उहदी गजलें दी अपनी पहचान, अपने गुण, अपना करैक्टर हुंदा है। राज मनावरी हुंदी गजलें दी भी अपनी एक अलग पहचान है, और वो अलग पहचान ये है कि ये क्योंकि इंदा जन्म मनावर च होया, हालांकि ये उत्थे रहे नहीं होने, उहदे बाद ते साड़ी दा विभाजन होई आ और उहदे बाद तकसीम हुई ही, फिर ये आईए जम्मू जानी है रे मता, लेकिन इंदे परिवार च जरूर उस इलाके की भाषा बोली जाती होनी है। तो इंदी डोगरी जड़ी ने डोगरी अपनी किताब च लिखी दी है, उहदे च तुसीं जगह जगह वो की झलक मिलग जड़ी इंदी उस इलाके की भाषा दी है, और उहदे कन्ने ऐसा हुंदा कि डोगरी जड़ी डोगरी दे अलग अलग शेड तुसेंगी लिटरेचर च मिलदे न, जिहदे कन्ने मैं समझना कि डोगरी भाषा और एनरिच हुंदी है और उहदे च और गुआड़ वधदा है, नवे शब्द आंदे। इहदे इलावा ये इंदी किताब च एक और खासियत है गजलें च कि इन्हें डुग्गर दे जन जीवन दी, खास तौर उपर खेतीबाड़ी दी, खेडे दी, पारंपरिक चीज़ें दी, बड़ियां जड़ियां चीज़ां न, बड़े आइकॉन न, बड़े ऐसियां जड़ियां चीज़ां, उनेंगी इस्तेमाल कीते दा है अपनी गजलें च, जेड़ा बड़ा घट होए दा है। नहीं तो जियां खेडे दियां चीज़ां बचपन च केड़ियां खेडां खेडियां जांदियां हियां, लोग किस किस्म दे खेतीबाड़ी कियां कीती जांदी ही, खेतीबाड़ी दे जेड़े ढंग तरीके भी ते जेड़ियां चीज़ां उहदे च इस्तेमाल हुंदियां उह भी इन्हें अपनी गजलें दे विच इस्तेमाल कीती दियां। तो इंदियां गजलां जेड़ियां न उह इक तरीके कन्ने साढ़े डुग्गर दे खास जन जीवन कन्ने जुड़दियां, इंदी गजलें दी इक खास खास गल है। और दूआ गल ये है कि इन्हें छड़ी गजलें दी ये किताब पहली लिखी, लेकिन उसके बाद इन्हें दो किताबा और लिखियां, और वह किताबा न प्रयास एक ते प्रयास दो, और दोनों दिया दोनों किताबा ऐसिया न जिन्हें डोगरी च गजल दे यानर उपर गजल दी विधा उपर एक बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस इन्हें कीते दा है उनका,
ਔਰ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਨੋਇਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਡੋਗਰੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੋਗਰੀ ਅਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇਹਨੇ ਦੋਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡੋਗਰੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਮਨਾਵਰੀ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਦੂਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਵੀ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਸਾਹਿਤ ਕੰਨੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਖਜੂਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੀਤ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਠਾਨੀਆ ਹੋਰ ਕਿ ਅਜੀਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਾਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈ ਹੈ ਇਸਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਵਰੇ ਹੋਈ ਹਨ, ਸੱਤ ਵਰੇ ਹੋਈ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਰਾ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਠਾਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਠਾਨੀਆ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਔਰ ਵਿਆਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਹਿਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਵੀ ਰਹਿਦੀਆਂ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਉਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਇਹਨੀ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮਤੇ ਹਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਠਾਨੀਆ ਹੋਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੇ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੇਗਾਨਾ ਔਰ ਲੱਭੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ 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 ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਖੀ ਆਠਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਯੁਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹਾਂ ਰਾਜ ਮਨਾਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਲੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਲੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵਧਗ ਔਰ ਮਤੇ ਕੋਲਾ ਮਤੇ ਲੋਕ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
असें देखिया कि हमेशा लोगों की प्रेरणा देंदे रहे लिखने के बारे च, उन्हें जिथे भी लगता है कि कोई टैलेंट है प्रतिभा है उसी वो प्रोत्साहन देंदे है और उसकी कुसा ना कुसा तरीके करने कोशिश करते है कि उसका उस दे लिखने के बारे च उत्साह बढ़ा है और उसी प्रोत्साहित किया जा प्रेरणा दी जा लिखने के बारे च। तो उस तरीके करने भी लगता है कि ये जरा पुरस्कार है पूरे तरीके करने भी फिटिंग है प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री। ये मैं समझना कि मैं अपनी वेलकम च जेड़े जेड़े भी जो कुछ भी गलबात आखनी ही वो मैं आखी चुके हैं, हूँ मैं एक बार परतियै प्रोफेसर शशि पठानी हुंदा है हवाला करना संचालन का काम ते वो अपने का इस कार्यक्रम की अगे बढ़ा। शुक्रिया प्रोफेसर मगोत्रा जी, तुसें बड़ा विस्तार करने सारियां गल्लां स्पष्ट करी ओड़ियां, मेरे आखने जोगा कुछ मता रहा नहीं, पर मैं ये फिर भी आखना चाहूँ कि जिया तुसें मान जो अनुराधा गुप्ता जी उनके बारे च आख्या कि वह साहित्य कने भी जुड़ी दी हैं ते स्कूली शिक्षा कने भी, ये तो सुनने पर सुहागे वाली गल है। हूँ तो असेंगी जड़िया और मेदा न सिर्फ स्कूली शिक्षा च डोगरी की अपना बनता थार थोग उदे कोला बाद असेंगी साहित्य च भी मैं दिखा दी ही पिछे जड़े इंदे प्रोग्राम चला करते न डायरेक्टोरेट आले पासिया साहित्य की कला की बढ़ावा देने आस्ते बड़े रोचक प्रोग्राम आवा दे दूरा दूरा दे बच्चे जड़े न उदे कन्ने जड़ा डोगरा टैलेंट है उसी भी मौका मिलग। इनकी बड़िया बड़िया मुबारखा भी करने से कामना करने के इनकी ऊर्जा भी बनी रही रवे ते इनकी भी साथ सहयोग मिलता रवे इस कार्यक्रम की। हुण अगड़ा बधाने मैं जिया तुसें सुनाया कि जेड़ा अवार्ड है उनके परिवार आले पासिया शास्त्री उनके परिवार आले आसिया दिता जांदा, इस अवार्ड च जेड़ी राशि होंदी है फिर कन्नै शाल ममेंटो और अक्सर अस दिखने कि उंदे च प्रशस्ति पत्र होंदा है जेड़े भी जिन्हें भी अवार्ड जिन्हें भी पुरस्कार सम्मान होंदे, पर की जे इहदे च इह पहली पुस्तक उपर है इसलिए अस इस मौके पर प्रशस्ति पढ़ी जांदी है राइटर दे योगदान उपर वो पढ़ी जानी है और जिसले प्रदान करने हैं तो उहदे च प्रमाण पत्र होंदा है। अज दा जियां प्रोफेसर मगोत्रा ने दस्या कि अज प्रशस्ति पत्र जड़ा है असेंगी साढ़े सामने सभने सामने प्रस्तुत करन आदर योग प्रोफेसर वीना गुप्ता जी, मैं उन्हें निवेदन करनी हाँ कि वो प्रशस्ति पत्र का वाचन शुरू कर। प्रोफेसर वीना गुप्ता जी जी, वीना जी पवन जी देखो हाँ वीना उनका वो कटोई तो नहीं गया कुछ नहीं हो किस तरह उन आवाज़ ही आवाज़ अंजे हाँ आवारी आवारी। अच्छा साहित्य जगत च कर्नल राज मुदाबरी कोई नवा ना नहीं, पुस्तक रूप च बेशक इंदा लेखन 2015 बरे च सामने आया पर इस जगत कन्ने इंदा नाता काफी पुराना है। इंदा पूरा नाम सुभाष चंद्र वाली है ते इंदा जन्म 5 मई 1955 गी अखनूर तहसीला दी मनावर थारा परोआ जेड़ी हुण पाकिस्तान दे कब्जे च है। इंदी माता जी दा नाम श्रीमती आग्यावंती है ते पिता जी दा नाम रायजादा सतगुर प्रकाश वाली। इन्हें अपनी 10वीं तक दी शिक्षा अपने ग्रां च गै ग्रहण कीती ते फी हायर सैकेंडरी जम्मू दे श्री रणबीर हायर सैकेंडरी स्कूल थमां, इसते बाद बीएससी श्री गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज जम्मू थमां ते डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट ते एमएससी केमिस्ट्री जम्मू यूनिवर्सिटी थमां। शिक्षा ग्रहण करने परैंत इन्हें कोई 3-4 बरे जम्मू ते उधमपुर दे हायर सैकेंडरी स्कूलें च केमिस्ट्री विषय पढ़ाया ते फ्ही 1980 बरे थमां फौज दे विभाग च शानदार सेवां प्रदान करते रहे। इये वजह है जे इनेंगी सिर्फ राज मनावरी नहीं बल्कि कर्नल राज मनावरी नां कन्ने जानिया जांदा है। फौजा दी इस नौकरी थमां पहले ये उर्दू भाषा च शायरी करदे हे ते जम्मू यूनिवर्सिटी च शिक्षा ग्रहण करने दे दौरान इन्हें अपने गुरु आबिद मनावरी हुंदे कशा गजल लिखने दे बारे च
ਤੇ ਖਾਸ ਕਰੀ ਅਰੂਜ ਦੀ ਲਈਏ ਖਾਸਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਇਹ ਉਮਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਏ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਪਏ। ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਰਾਜ ਮਨਾਵਰੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਨ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਕੰਨੇ ਮੇਲ ਜੋੜ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚ ਸਕ੍ਰਿਯ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉੜੀਆ ਤੇ ਅਸਮੀਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਕੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਕਸ਼ਾ ਗਏ ਇਹਨੇ ਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡੋਗਰੀ ਚ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ। ਕੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਏ ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹਾ ਤੇ ਭੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਪਏ। ਫਲਸਰੂਪ 2011 ਬਰੇ ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਡੋਗਰੀ ਚ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ 2015, 2016 ਤੇ 2017 ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਤ੍ਰੈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਡੋਗਰੀ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਆਮ ਡੋਗਰੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ। ਦੂਈ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਿਆਸ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਡੋਗਰੀ ਗਜ਼ਲ ਆਦਿ ਕੰਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਧ ਪਰਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਢਾਂਚੇ ਕੰਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੰਨੇ ਜੁੜੀ ਦੀਆਂ ਟਕੋਦੇ ਗੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ। ਕੀ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕਰ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਟਕੋਦੇ ਜਾਂ ਚੇਚਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਵਜ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਉਨੇ ਤੱਕਰ ਡੋਗਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕਲਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਟਕੋਦੇ ਚ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੋਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਲਮਕਾ ਯਾਨੀ ਵਧੀਕ ਲੰਮੇ ਸਵਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਨੁਨਾਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਆ ਐਸੀਆਂ ਚੇਚਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮਨਾਵਰੀ ਹੋਰੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤ੍ਰੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਿਆਸ 2 ਸਿਰਲੇਖ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੈਲਪੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਕਲਾ ਪੱਖ ਉੱਪਰ ਤਫਸੀਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੰਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਆਂਬ, ਜਿਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਚ ਮਨਾਵਰੀ ਹੋਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਝਾਟੇ ਛਿੰਡਾ ਘਟਾਈਏ ਆਪਣਾਪਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ, ਸਾਦੇ ਤੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੰਨੇ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਈ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਿੰਬੇ ਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਈਏ ਪਾਠਕਾਂ ਗੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੋਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇਹਨੇ ਗੁਣੇ ਕੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦਾ ਚਯਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੰਮੂ ਕਰਨਲ ਰਾਜ ਮਨਾਵਰੀ ਹੋਰੇ ਗੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮਤ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਦਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਗੋਤਰਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡੋਗਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਡੋਗਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਅਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸ ਝੱਟ ਇਹਨੇ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਗਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਪੱਤਰਾ, ਕਾਗਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਚੇਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਮਨਾਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਾਵਰੀ ਜੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਇਨਾਮ ਥੋਈ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਲਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਰਾਜ ਮਨਾਵਰੀ ਹੋਰੇ ਗੀ ਆਭਾਸੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਅਦਾ ਕਰਚੇ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਚੇ
ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜਿਹਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੇ ਕੁੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਗ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸ ਬਾਕੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈਏ ਮੁਨਾਵਰੀ ਹੋਰੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦੇਗੇ ਤੇ ਮੁਨਾਵਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਵਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਦਾ ਹੋਗ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅਧਿਆਕਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਆਦਰਯੋਗ ਅਨੁਰਾਧਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਗੋਤਰਾ ਜੀ ਕੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਖਜੂਰੀਆ ਜੀ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਠਾਨੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਹਦੇ ਕੋਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਤ ਖਜੂਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਪੱਤਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ 21,000 ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪੂ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਗਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਤੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸ ਟੋਕਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਰਾਜ ਮੁਨਾਵਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਨ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੋ ਤੁਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਲਿਆ ਹੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਗੇ ਮਿਊਟ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਰਾਜ ਮੁਨਾਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੱਭੀ ਆ ਥੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਅਜੀਤ ਖਜੂਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਅਜੀਤ ਹੋਰ ਹੈਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਨਾ ਉਧਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਤ ਔਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਊਟ ਹੈ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਸਰ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਨਮਿਊਟ ਇਹ ਆਪੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਉੱਪਰ ਹੋ
ਜੀ ਤੋਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਾਜ ਮਨਾਵਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਔਰ ਸਭਨੇ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਮਨਾਵਰੀ ਜੀ ਕੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੋਲੇ ਕੋਲਾ ਤੋਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨੇ ਆਸਿਆ ਰਾਜ ਮਨਾਵਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ शुक्रिया अजीत जी अच्छा महाराज हांजी शुक्रिया जी ਤੇ ਮਨੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਮਨਾਵਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਨਾਵਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੇਗਾਨੌਰ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁਬਾਰਕ जब मैं आगे बढ़ा आगे बढ़ो जी बढ़ो बढ़ो आगे इस कने सारा ये जड़ा पुरस्कार अर्पण कार्यक्रम ये एकड़ी कड़ी जड़ी है उस संपन्न हो उन मुबारक दे बाद अस बदने आगे ते उन में निवेदन करें अज दे पुरस्कार प्राप्त करता मान जोग राज मनावरी हो रहेंगी के इस मौके पर पुरस्कार स्वीकृति दे तौर पर ओ सारे कने जड़े विचार सांझे करना चाहते न उन्हें की निवेदन है कि ओ अपने विचार सारे कने सांझे कर बड़ा बड़ा शुक्रिया जी राज जी तुस कुछ आखना चाहो बोलना चाहो ते गल कर सकते हो गल करो शशि मैडम जी बड़ा बड़ा शुक्रिया इस बरे दा श्री प्रोफेसर रामनाथ पुरस्कार मी थोआ बड़ी गर्व दी गल है मेरे ताई मैं बचपन दा गे जेले अपने ग्रां रौंदा हा ते दत्ता साहब मेरे वड्डे भरा अशोक दत्ता साहब मिगी शास्त्री हुंदा लेखन उंदियां गल्लां और डोगरी संस्था दियां गल्लां सुनांदे हे तेरे मन च ये चाह ही मेरे कि मैं भी जाइए दिखां कि प्रोफेसर शास्त्री और कैसे लगदे ने उंदियां उंदा लिखी दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਦਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆਰਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਆਈਏ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ 'ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਸ ਗੋਸ਼ਟੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਿਤ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗਜ਼ਲੇ ਕੋਲਾ ਉਹਦੀ ਤਲਖੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜੁੜਨੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੀ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ
रामनाथ शास्त्री हुंदी गजलें उपर एक पूरी किताब लिखी चुके दा टाइप हो चुकी दी किताब है प्रयास चार किताब प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री दी गजलें उपर कला किताब जड़ी है सबको डाल कर फसे अब करे एक कोरोना जल्दी जल्दी खत्म हो गया एक किताब भी छप के उनके हाथ जाए उस दिन बड़ी खुशी हो पहचान थोड़ी बनी मुलाकात मैंने पैसे देखे ना काफी पैसे निकले हैं पवन जी आप पवन जी ना म्यूट करियो बाकी ही फिर बाकी म्यूट करियो चलो आओ आजकल मेरी याद आती है कि उन्हें जदों भी नहीं पुकारिया राज नहीं आख्या मुलावरी नहीं आख्या हमेशा बड़े प्रेम करने उन्हें भी आख्या सुभाष जी कोई गल समझानी हो कमी सुभाष जी कोल बैठो के लिख दियो कियां लिख दियो खासकर गजल दे जेड़े लवाजमात ने उन्दे उपर उन्दे कने बड़ी चर्चा हुई बड़ी बड़ी चर्चा हुई और उन्हें मी प्रेरित भी कीता कि डोगरी च लिखो रामनाथ शास्त्री उन्दे कने डोगरी संस्था ते मैं शायद नहीं गया लेकिन कल्चरल अकैडमी च शराजा दे एडिटर उन्दे दफ्तर च साड़ी चर्चा जेड़ी है वो बड़े दूर देर तक और दूर तक उन्दे कने चर्चा हुंदी है रही गल मेरी डोगरी गजल दी या पूरी डोगरी गजल दी डोगरी गजल जिस वेले आई 1965 च किताब छपी आस्ते हैं बंजारे लोक और ओदे च रामनाथ शास्त्री होरें जेड़ा परिचय लिखिया उस किताब दा वो जग दा एक शुरुआत हो गई करने गए गजल आंदे गए गजल दी वाजमात उपर गजल दे भाव उपर करने गए एक चर्चा जेड़ी उन्हें शुरू कर दी थी ते आज भी वो मील पत्थर खवांदा है मेरी किताब आम दी गल जिथों तक है मी जियां मेरे गुरु आबिद मुनावरी होरे समझाया ते जो किता जो दिखिया जो जिया जो आला दुआला लभा उहे लिखो गजलें च और उसी सिंपल और सादे तरीके कन्ने लिखो ताकि तुंदी और तुंदे श्रोते दी पाठक दे विच बित खत्म हो जा नेड़ बदे बित खत्म हो गए मैं इयां गै कीता मैं गजल दे लवाजमात नहीं तजे मैं किते क्रिम पर भी फर्क नहीं आउण दित्ता वजन च रदीफ च काफिए च या शब्द चोन च लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं आई लोग आते हैं कि जेदे बगैर गजल हो ही नहीं सकती एक भी शब्द ना शमा दा ना शराब दा ना मैखाने दा ना कासिद दा ना चिट्ठी दा मैं कुछ चीज दा जिक्र नहीं किया आल पंजाली दी तुरपे दात्री दी कणक दी राई भाई दी अपना रोन सोन दी अपने आले दुआले दी अपने ग्रां दी मैं गल जड़ी है वो गजल च कीती ते मी गजल जड़ी है वो भी सच्चे मी मेरे ग्रां ले गई अज भी जिस वेले मैं डोगरी दी गजल लिखना ते मी इयां लगदा कि मैं अपने ग्रां के पुज्जा दा मैं अपने कम्मे च गया मैं व्यस्त हाँ मेरी कहानी ते अपने आप चलती रहिंदी ते गजल अपने आप होई जांदी और गजल होने के बाद मी बड़ा अच्छा महसूस हुंदा मेरी भाषा जिस तरह मैडम वीना होरें दस्सिया प्रोफेसर वगोत्रा होरें दस्सिया कि जे मेरा ग्रां सियालकोट दे कंडे हा ते साड़ी भाषा जेड़ी ही ओ सियालकोट च भी डोगरी बोलोंदी सियालकोट च ओ शाहरुखी च डोगरी लिखदे डोगरी गजलां भी लिखदे हुण रसाले आदान प्रदान नहीं हुंदे लेकिन मेरी भाषा च मेरी डोगरी च आंचलता थोड़ी बहुत जरूर है और वो भाषा मेरे ग्रां दी सियालकोट दी
या मेरे छंब एरिए दी मनावर दी भाषा जिहड़ी है ओह इहदे च झलकदी है। अस हुण गल करिए अज दी डोगरी गजल दी, ते डोगरी गजल अज बड़ी दूर दूर लिखी जा रही है, जम्मू च लिखी जा रही है, सांबा कठुआ लिखी जा रही है, लेकिन अखनूर च लिखोंदी गजल, रियासी लिखोंदी गजल, पौनी पारख लिखोंदी गजल, उधमपुर लिखोंदी, डुड्डू बसंतगढ़ लिखोंदी, रामनगर लिखोंदी, डोगरी गजल डुड्डू बसंतगढ़ भी लिखोंदी ते बलौर भी लिखोंदी, जिथे नहीं दिखो गजल लिखवा करदी। और साढ़े नवे लिखने वाले जो खासकर इस पासे दे लिखारी ने, डुड्डू बसंतगढ़ के लिखारी ने, उधमपुर की जी एक मंडली है नौजवान की, और बलौर आल जी लिखोए की गजल बहुत वधिया गजल लिखोए करती। डोगरी गजल का भविख बड़ा बड़ा उज्ज्वल भविख है, और जिन्हें अच्छे लुआजमत करे करते हैं, जिंदा पालन करे करते हैं, और जिस जरखेज जमीन चा इन्दे मन चा इन्दे दिमाग चा जड़ी गजल निकले करती है, वह मी बड़ी प्रभावित करती है। अज घट तो घट 40 तो ज़्यादा गजल गोशार जड़े डोगरी दे ने मैं उन्दे नां ले सकना, और बड़े फखर कन्ने बड़े गौरव कन्ने मैं उन्दा नां ले सकना, और उन्दी जड़ी लिखाई है जड़ी गजल दी उन्दी डूंघाई है उहदे च ओ मी बड़ी पसंद है, और उहदे च मैं बड़ा प्रोत्साहित हाँ। राजा रामलाल शास्त्री हुंदे कन्ने जुड़ने का मी बड़ी खुशी है। अज ये जरा उनकी स्मृति पुरस्कार मी थोआ इहदी बड़ी खुशी है मी। मैं उनके प्रयास चार किताब उनकी गजलें उपर तलखियां किताब उपर लिखी है, मी बड़ी खुशी है उनके कन्ने जुड़ने कन्ने। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हाँ प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री स्मृति उनका ट्रस्ट का और डोगरी संस्था का, जिन्हें मी इस काबिल समझिया कि अज यह पुरस्कार मिगी दिता जा। अंत च मैं तुसें गी दो अपनी गजलां सुनाना ते रुखसत लैना, मेरिया दो गजलां सुनो। मेरी किताब की पहली गै गजल है कि सरिया खिड़ी दी दूर तगर पहल पहल ही, सरिया खिड़ी दी दूर तगर पहल पहल ही, चेतर दी चौधी आही ते साथन भी शैल ही, चेतर दी चौधी आही ते साथन भी शैल ही, पानी दे कुट कुट लंघाए रवाल चौल, पानी दे कुट कुट लंघाए रवाल चौल, नीते उदे सलूने च भलिया कसैल ही, छोड़ी गया हा साथ मेरा जेदे आस्ते, इन्नी कमाई ते मेरे हथें दी मैल ही, चेते दे खूह गिरदे रे नजरें दे सामने, उंदे मना च भी कोई सांझी छपैल ही। आखरी शेर है कि ओ ते चलो ते ओदे शा खोया नहीं किश भी राज, वरना उदी नजर च उदे मन दी मैल ही। एक गजल गजल का मतलब है कि मुड़ी मुड़ी मिगी मेरा सुभा चुभदा, मुड़ी मुड़ी मिगी मेरा सुभा चुभदा हा, मैं काई हा मेरे पैरें की घा चुभदा हा, मैं काई हा मेरे पैरें की घा चुभदा हा, सगंध ठीक ही ओकी गली नहीं लंघने दी, सगंध ठीक ही ओकी गली नहीं लंघने दी, गली गुआंढ दा बिरथा बधा चुभदा हा। तो शेर देखना कि तेरा वतन तेरे वतनी भी जीने जोगे है, तेरा वतन तेरे वतनी भी जीने जोगे है, पता नहीं की उन्हें साड़ा लगा चुभदा हा। खीरला शेर देखो कि जिदे च जिक्र हा ओदा, उदे ग्रां दा राज तेरी किताब दा ओका त्या चुभदा हा। बड़ी बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम शशि पठानिया मैडम जी, तुस अपने फिर संभालो, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मुबारक है जी राज जी, मुबारक, शुक्रिया, मुबारक राज मनावरी जी, बहुत खूब बड़े शैल चाली कन्नै तुसें जेड़िया अपने निग्गे चेते डोगरी कन्नै जुड़ने दे साढ़े कन्नै सांझे किते, तुझ महसूस होआ करदा है कि साहित्यकार कदों थुआढ़े अंदर मठोना
शुरू होया हा और उसका जरा निघा हा लगाव हा डोगरी जरा लगाव हा ओदा निगुण संभाली रखे दा हा जिसी तुसें रिटायरमेंट के बाद डोगरी भाषा च प्रकाशित करिया साढ़े तक पजाया और थोड़ी गजल दे जेड़े भी दो गजलां तुसें प्रस्तुत कीतियां न उंदे च भी ओ सब किश जेड़े शब्द न जेड़े शायद बल्ले बल्ले इन्ने इस्तेमाल नहीं रोने के कारण कोई लुप्त भी हो जान पर थोड़ी गजलें जो संभलो दे ओ आने वाली पीढ़ी तक इन्हें रचनाएं के माध्यम करना पूछते रहूंगा और ये आंचलिकता नहीं है ये सिर्फ जिस फील्ड की तुस गल कर गयो गजल कर गयो उस फील्ड की उस क्षेत्र की उस न संबंधित ये भाषा है और मैं जिसे तुस गजल पढ़ा दे है मैं मेरी नजर उधर जा कर दी ही सुशील बेगाना उनके ऊपर डोगरी दे बड़े सिरमौर शायर हैं च प्रमुख ते उनके चेहरे पर गजल के नाम पर जड़ी रौनक आवा कर दी ही ते इन्हें सही बात है कि उनके चेहरे पर कोई गजल इसलिए भी रचुआ कर दी है कहने कहने चला कर दी है और उन्हें ही एक मैं ये आखन के बड़ी गया सुहानी जी खुशी उनके चेहरे पर चलका कर दी ही सारी डोगरी गजल दे बड़ा मान हो उन मैं खेचल देना चाहूंगी अजे दे साढ़े कार्यक्रम दिया मुख पुरानिया मान योग अनुराधा गुप्ता जी की के ओ असें की अपने विचारें करने अनुग्रहित कर नमस्कार प्रोफेसर लेखन गुप्ता साहब प्रोफेसर प्रोफेसर शशि पटेल साहब प्रोफेसर ज्ञानेश्वर सर अजीत सारे जने साहित्यक जगत बड़े मन्ने नाम योगदान जड़ा है वो मिगी बहुत अच्छे तरीके कने पता है ते मैं समझनी कि मेरा कद बड़ा छोटा हा बड़ी बड़ा बोना मेरा कद हा कि मैं इस इन्ने बड़े फंक्शन दी मुख्य अतिथि बनने दे लायक ते नहीं ही पर तुसे मिगी ये मान दिता है उस दे वास्ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ डोगरी संस्था की भी ते प्रोफेसर ललित मंगोत्रा साहब जिन्हें मिगी पर्सनली कॉल करी है इस दे वास्ते आख्या है ते बड़ा मेरे वास्ते गौरव दा एक विषय है कि मैं आज इस फंक्शन पर मुख्य अतिथि जिस दे विच की इन्ने बड़े एक शायर राज मनावी साहब जिंदी आज किताब आम की आज सम्मानित किया गया है प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री अवार्ड करने मैं किताब पढ़े करती ही तो पहले मैं इस दे बारे च थोड़ी जी गल करगी कि जिया बाकी सारे जने इस दे पर गल कीती है मैं ते खैर कोई ऐसी साहित्यिक मैं इंग्लिश लिटरेचर विच एमए कीती दी है ते थोड़ा बहुत मैं लिटरेचर की पसंद करनी है हिंदी लिटरेचर भी पढ़नी पर मैं कोई समीक्षा करने दे लायक ते नहीं है पर मैं एज अ रीडर एक गल आखना चाह कि जिस वेले मैं किताब पढ़े करती ही जड़ी मैं गजलां पढ़िया ते रुबाइयां पढ़िया ते मिगी इयां लग्या कि इंदे विच इक फ्रेशनेस लगी ते इक जिसी अंग्रेजी च इमेजरी आखदे हन ते इक इयां लगदा कि तुहाडे सामने इक तस्वीर खिंची गई है ते ओ ऐसियां चीजां जियां गल कीती भी गई कि कोई शराब ते कोई कासद या कोई ऐसी चीजां दा प्रयोग नॉर्मली जिहड़ा हुंदा है कि गजलें विच अस सुनने आ ओ करने दे बजाय तुसीं ऐसी चीजां दा प्रयोग कीते दा है जड़ा कोई भी एक आम इंसान उसके करने अपने आप की रिलेट करी सकता है ते मैं एक अपने अपनी एक पर्सनल गल शेयर करना चाहूँ कि मैं अपने पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक है ते मैं अपने अगे पीछे जरूर अपार्ट फ्रॉम जड़ी लाइब्रेरी विच किताबां में रखी दी हैं
ਉਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜਸਟ ਇੱਕ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣਨੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਰੱਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਇਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਕਣ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਸਕਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਾਜ ਮਨਾਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜੈਕਟਸ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀਏ ਦਿਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਰਵ ਦਾ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਰੇ ਇੱਕ ਜਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੀ ਲਈਏ ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਲਿਤ ਮੰਗੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣੇ ਕੰਨੇ ਹੀ ਗਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਪਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੜਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਦਿਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਖਨੂਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਡਿੰਗ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਠੀ ਉੱਧਰ ਗਏ ਔਰ ਕਿਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਕੀ ਤੁਪਨੇ ਦੀ ਤੇ ਉਸੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਸ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਈਏ ਚਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਗਵਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਅਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਅਸ ਜੋੜਛੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਹੈ ਉਸੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਚੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਛ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹਨ ਉਹ ਆਪੂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਨ ਐਮ ਏ ਡੋਗਰੀ ਹਨ ਲੈਕਚਰਰ ਹਨ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੰਨੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾ ਜੀ ਹਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੇਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਉਹਨੇ ਉਸੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ ਕਾਇੰਡ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਡੋਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰੋਚੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਵ ਹਨ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ
एक अंग्रेजी का एक नॉवल है गॉन विद द विंड, सारे जने उसका नाम भी सुने दा होना है। ते गॉन विद द विंड विच बड़ी सारी और चीजा भी हैं, मगर एक जड़ी चीज मिगी बड़ी अपील की उस उस दसिया गया है कि जिस वे इंसान की जवानी विच इंसान कुछ भी करे, लेकिन जिया जिया उम्र होंगी जी है उसके कने उसी एहसास होंगे जाता कि मैं अपनी रूट्स विच वापस जावा, मैं अपने कल्चर की समझा, मैं अपने उसी अपने पुराने पुराना ग्रां याद आग, उसी अपनी मिट्टी याद आग, वो सब चीजा उसी याद आदि ते वो अस करने हैं। मैं समझनी कि बच्चे दे अंदर भी ये चीज जड़ी है पहले ही, जिया आखते कि कैच देम यंग, ते बच्चे दे अंदर अस अगर ये चीज लियाचे कि आखिरकार जड़ा पड़ाव है वो इो है, जड़ी साड़ी रूट्स हैं, जड़ी साड़ी पहचान है, ते भाषा जड़ी है बोली जड़ी है वो सब तो बड़ी साड़ी पहचान होंगी है, साड़े कल्चर का एक सब तो बड़ा हिस्सा जड़ा वो साड़ी बोली है। इस वास्ते मेरी एक सुझाव यह है कि अगर अस कोशिश करचे कि अस यंग जड़े बडिंग राइटर्स हैं डोगरी विच उन्दे वास्ते भी अगर इस कोई कंपटीशन या कोई अवार्ड कोई ऐसा स्पॉन्सर करी सकचे या कोई ऐसा बनाई सकचे कि जिसदे कन्ने बच्चे विच एक रुचि जागे कि नहीं असें कुछ इस विच सीरियस करना है, ते वो उसदे वास्ते एक सोच है। मैं अपनी तरफ तो कोशिश करम कि अगर तू सारे कोई अगर कोशिश ऐसी हो सकती है ते वो कट्ठे मिली अगर करगे तो जरूर कुछ ना कुछ हो या। दुआ में एक और ऑफर देना चाहूँ कि साढ़े असे अपने डायरेक्टोरेट की तरफ तू एक जेके एजुकेशन हब एक एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म रखे दा है, उसके पर मैं असे कल्चरल एक्टिविटीज वास्ते एक पूरी विंडो रखी हुई है, ते मैं वो ओपन करना चाहूँ कि उन जिया ये अगर किताब जड़ी अज जिया सम्मानित की गई है अगर ये ई बुक की फॉर्म विच अवेलेबल होए तो कोई भी राइटर, इनफैक्ट कोई भी अगर राइटर है डोगरी भाषा विच या किसी भी भाषा च अगर अगर उसे पर रखना चाहता है तो अस उसे उन्हें वो स्पेस उसे विच देंगे। उसे कने होना कि बच्चे साढ़े पूरे जड़े हैं वो काफी जिया 15 लाख बच्चे हैं जड़े जुड़े दे हैं पूरे जम्मू डिवीजन दे, ते वो उन्हें बच्चे की डायरेक्ट एक्सेस हो ऐसी बुक्स की, ते उन्दे अंदर एक रुचि जागी सकती है, उन्हें पता वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डोगरी विच के चीजा लिखिया गदियां हैं, के चीजा बने गदियां हैं, ते उन्हें एक एनकरेजमेंट मिलक प्रोत्साहन मिलक कि वो भी अपना नाम कमान। बाकी राइटर्स का प्रोफाइल भी अस उसके पर दे सकते हैं, ते इस किस्म की कुछ गल्लां जिहड़ियां मेरे मन विच हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जिसके विच तुसी लगता है कि डिपार्टमेंट कोई मदद कर सकता है ते वो मैं उसके वास्ते बिल्कुल तैयार है, जो कुछ भी मेरी तरफ मदद हो सकती हो मैं मुझे बड़ी खुशी हो कि मैं इस दे विच कोई एक थोड़ा जहा कॉन्ट्रीब्यूट करी सका। ते मैं फिर एक बारी आखिर विच बहुत बहुत बधाई देना चाहंग राज मनावरी साहब की जिन्हें की अजे सम्मान मिलया है, उन्हें उन्दी इन्नी खूबसूरत एक किताब जड़ी है उसी अज जड़ा उसका ड्यू स्थान मिलना चाहता सम्मान मिलना चाहता वो मिलया है। ते बाकी सारे लोगों की सुनने का मुझे मौका लग्या, मैं एक विशिष्ट सभा का हिस्सा बनी सकी जड़ा मैं नहीं सोचा था कि मैं कभी बनी सकती, ते मिगी ये मौका तुसने दिता मेरे वास्ते बड़े गर्व की गल, ते तुंदे सारे दा बड़ा बड़ा शुक्रिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू, बड़ा बड़ा शुक्रिया मानजोग अनुराधा जी। तुसें की सुनदे वेले मैं ये महसूस करा करदी ही, बाकी सारे भी सुना दे हे कन्ने कन्ने ओ भी थोड़े कन्ने सफर करा दे जियां मैं चला करदी ही कि दिखो थोड़े मने च जड़ियां गल्लां किताबां की पढ़िया आईयां ओ एक किस्म दा प्रमाण कि संस्था पासिया कीता गया ए जड़ा निर्णय है जड़ा राज मनावरी हुंदी किताब की एकड़े वरे दा पुरस्कार दा जाना किन्ना वाजब है कि जिहदे कोलों तुस भी इन्नी प्रभावित होई आ, तुसें भी ये सारियां चीजां महसूस कीतियां और संस्था वास्ते बड़े गौरव की गल है कि पिछले जद कोला भी शुरू होता है हर बरे ये सम्मान जा करता और बड़ी खुशी की गल है कि पिछले 6 बरें च भी जड़े पुरस्कार गए ने इं गए बड़े डिजर्विंग जड़े काबिल किताबा ही उन्हें गई गए पुरस्कार और जड़े निर्णायक होंगे उन्हें बड़ा मुश्किल होंगे इन अच्छी अच्छी किताबा होंगे उनके चा एक किताब भी चुनना पर चलो बाकी किताबा अगे जा मैं समझा नहीं हाँ कि जड़िया गल्लां अनुराधा होरां कीतियां न
उन्दे पर प्रोफेसर मगोत्रा किश जी किश आखना चाहंगन उदे कोलो पहले मैं अपने पास आखी लैनी है मैं भी माइक का फायदा ले लैनी है तुसे जिन्या गल्लां आखियां डोगरी का कंसर्न सरोकार थोड़ी गल्लें चा झलका करदा और असें गी इक बड़ा संदोख ते इक तसल्ली होआ करदी ही कि एक ऐसी जगह पर बड़ी महत्वपूर्ण जगह पर तुस बैठी दियां और उत्थे बेहियै तुस डोगरी दी इन्हें जरूरतें गी महसूस करा करदियां उंदे बारे च सोचा करदियां डोगरी भाग लिया है कि बड़े चिरे बाद स्कूली शिक्षा च कोई अपनी डोगरी कन्नै एकड़ी दर्द पीड़ महसूस करने आला पुज्जिया और असें गी बड़ियां मेदां भी न और बेफिक्री भी होई पई है कि तुस जिस वेले अपने आसे इन्ने प्रयास करा दे हो ते संस्था ते प्रयास रहता है और 24/7 प्रयास रहता है और तुहाड़े कन्नै ओ मिली मिली है प्रोफेसर मगोत्रा या डेलीगेशन हर शैली कन्नै थोड़ा तकर पुछ करदे न और अपनियां जरूरतां अस के चाहने आ उन चीजें गी अस कियां अचीव कर सकने आ जड़ियां डोगरी की स्कूली शिक्षा च अपना बनदा जड़ा उहदा डिजर्व हक बनता है वह सिद्ध है। मैं उन निवेदन करनी है प्रोफेसर मगोत्रा होर कि वह जो कुछ इस संबंध च साढ़े कन्नै सांझा करना चाहते हैं जां इसे मंच उपर आदरयोग अनुराधा उनके कन्नै गल करना चाहते हैं। सारे कोला पहले तो मैं जिन्हें मेरे साथी बैठे दिन मैं उनके कन्नै एक गल आखना चाहना शेयर करना चाहना कि साढ़े कार्यक्रम का जो शड्यूल है वह इं है कि मैं हूँ बोलना है। असल च हूँ तो धन्यवाद देना हा ज्ञाने शुरू रहे लेकिन अज अनुराधा गुप्ता ने जड़ी गलबात की है और जिस किस्म का उन्हें भाषण किया है और जड़ी गलों पर उन्हें अपने विचार प्रकट किए और जड़ी गलें की उन्हें टच किया है उदे कन्ने ऐसा लग्या है कि उदे उपर कुछ थोड़ी बहुत साढ़े पासे प्रतिक्रिया आनी जरूर। पहली गल तो यह है कि मैं जिसलै मैडम अनुराधा होरें गी रिक्वेस्ट कीती ही कि तू साढ़े इस कार्यक्रम च मुख अतिथि के तौर उपर आओ तो उन्हें उऐ गल आखी ही जड़ियां तुसें सुना दियां न कि मैं नहीं समझदी अपने आप गी इस काबिल कि मैं इस किस्म के प्रोग्राम च जाई सकां। उस वेलै मैं उन्हें आख्या हा आख्या मैडम ये असें दिखना है कि तुम इस काबिल है हो या नहीं हो साड़ी नजरें तुम इस काबिल है हो और अज मी हूँ महसूस होआ दा है कि असें किन्ना सही किस्म का यह फैसला किया कि तुसें गी अनुराधा जी इस कार्यक्रम के विच बुलाया जाए। देखो तुसें जिन्नी गलबात की है उहदे च एक गल साफ झलकदी है साफ मिलती है साफ इंडीकेशन है उहदे च शशि होरें भी यह गल आखी है कि तुंदी इस गल च पूरा सरोकार डोगरी वास्ते चलता है डोगरी दे विकास लई डोगरी दे वाधे लई तुस किन्ना सोचदियां हो तुंदे मन च केह विचार न वो असें गी पता लगदा और जिथों तक तुसें कुछ जड़े सुझाव दित्ते न उहदे बारे च भी मैं तुंदे कन्नै थोड़ी जिही गल करना चाहां। वो ये है कि असें भी ये चिंता रोंदी है कि बच्चें गी कियां वध कोला वध अपनी भाषा कन्नै जोड़िया जाए ये अस भी समझने आ कि अगर बच्चें च डोगरी खत्म होई जाग तो डोगरी खत्म होई जाग बच्चें दे द्वारा गै डोगरी अगे चलनी है अगली जनरेशन ताइए डोगरी कन्ने ताइए जुड़ी सकती है जे बच्चे जुड़गन ते बच्चे नहीं जुड़गन जेल्लै बड़े होंगन उसले तक डोगरी खत्म होई जाग। इस वास्ते बड़ा जरूरी है असें थोड़ियां कोशिशां भी कीतियां थोड़ा जिहा तुंदे कन्ने साझा करना चाहना असें अपने पास कोशिश कीती ही कि बच्चें लई कॉमिक्स कढे जाण असें कॉमिक्स 6 कॉमिक्स डोगरी दे कड्ढे न जिहदे च असें अमर चित्र कथा आह्लें कोला थोड़ी मदद लई और उंदे जिहड़े एस्टैबलिश्ड मशहूर कॉमिक्स हे हिंदी भाषा च अंग्रेजी भाषा च उंदा असें पूरा डोगरी च उनें अडाप्ट कीता और वो असें छापे डोगरी संस्था पासेआ। इसदे अलावा बाबा जित्तो दी कथा उपर एक ओरिजिनल कॉमिक्स असें डोगरी संस्था पासेआ कड्ढिया। जिहड़ी गल है कि किताबें गी ई किताबें दे तौर उपर मुहैया करवाया जा या वो अवेलेबल होन लोकें गी मिलन ये प्रयास असें शुरू कर दित्ते दा और एदा भी श्रेय थोड़ा जिहा मैं तुसें जरूर देना चाहां। मिगी चेता है कि जिस वेलै अस गल करा करदे हे कि डोगरी दे टीचरें दी
कि स्कूलें दे विच टीचर किन्ने होने चाहिए, किन्ने होने चाहिए, के प्रॉब्लम्स ने उन्हें दिने गए। मैं बाकी गल नहीं करना चाहूँ, तुसीं एक ही गल अदू भी आखी ही कि डोगरी का लिटरेचर जेड़ा है ये नैट उपर असेंगी अवेलेबल होना चाहिए। मैं तुसेंगी ये सूचना देना चाहना कि साड़ी डोगरी संस्था दियाँ अपनियाँ कोई 125-126 पब्लीकेशनस ने अली तक डोगरी दियाँ, उनके चा कोई 40-45 पब्लीकेशन अस पाई चुके हैं अपने फेसबुक उपर, और वो कोई भी उत्थे जाइए। हाँ जी, साइट उपर डोगरी संस्था दी साइट उपर, साइट उपर साड़ी साइट उपर डोगरी संस्था दी, वो कोई भी जाइए उत्थे उसी जाइए पढ़ी सकदा है। थोड़ा जिहा इसी लोकें तक पहुंचाने की जरूरत है, वो बच्चे लिए भी अवेलेबल है। अस ये भी कोशिश करगे कि बच्चे का अलग किस्म का मटीरियल उत्थे पाया जा, लेकिन ये सारिया गल्लां इत्थे नहीं कीतियां जा सकदियां। मैं तुसें सिर्फ ये आखंग कि अस जरूर तुंदे कोल आगे, उन्दे कन्ने गलबात करगे, और अस एक ऐसा सलाह बनागे, एक ऐसा तो तरीका करगे कि सांझे तौर उपर अस डोगरी की अग्गे बधाने लई के करी सकने आ। सुरजीत होश होर साढ़े कन्ने जुड़े दे, और डोगरी संस्था दे सदस्य भी हैं, उनका अपना भी एक बड़ा अच्छा मेरी मित्र मंडली नां दा एक ग्रुप है, वो बड़ा अच्छा काम करा करने। अस सब लोग मिलिए डोगरी दे अगे बादे लई विकास लई काम करी सकने आ। अस जरूर तुंदे कोल आगे। मैं असल च तुसें ई आखना चाहुंदा हां कि तुंदी गल्लें कन्ने असेंगी एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का विश्वास मिलिया, असेंगी अच्छा लग्या कि तुस बैठी दी हो उस एजुकेशन डिपार्टमेंट च, इस किस्म की सोच दियाँ जिंदे को लिटरेरी बैकग्राउंड है, जिन्हें लिटरेचर करने छड़ी बैकग्राउंड डिग्री करने करने बैकग्राउंड बनती नहीं जे है मैडम, जिन्हेंगी शौक है, जेडे अपने सरहने कताबा रखी है सुनते हैं, तुस उन्हें लोगों च आओ, और असेंगी बहुत अच्छा लग्या, और असेंगी अस वी आर लक्की, अस कुछ किस्मत कि अज के कार्यक्रम च साड़ियाँ मुख्य अतिथि हियाँ। तुंदा मैं एक बार परतिए बड़ा बड़ा निघा शुक्रिया अदा करना चाहूँ। हूँ शशि पठानिया जी अगे कार्यक्रम बना, एक गल मैं और आखना चाहूँ कि जिसलै असें इस किताब का फैसला किया, ये भी एक गल है इंपॉर्टेंट है सारे लिए जानने लिए, बड़ा मुश्किल हुई है जड़िया त्रै चार किताबा हियाँ उनके सारे का स्तर इन्ना उच्चा हा इस किताब की मलाइया बिच, इस फैसला ज्यूरी लिए बड़ा कठिन होता हा कि केड़ी किताब की इनाम दिता जाए, फिर उदे विचा इस किताब की इनाम मिले। इसका मतलब है कि आज डोगरी लेखन का स्तर एक बड़ा अच्छा है, सैटिस्फैक्टरी है, दिल की खुश करने वाला है। एक गल भी मैं तुम्हारे सारे कन्ने साझी करना चाहूंगा। हाँ जी शशि, शुक्रिया प्रोफेसर मगोत्रा जी। मैं थोड़ी इसे गल्ला की अगे थोड़ा जिहा आखना चाहंग कि सारे को मती खुशी वाली गल है कि वह पहली पहली किताब है, अगर पहली किताब का यह स्तर है तो उदे बाद वालियां किताबें दे स्तर साफ जा रहा है कि दिन ब दिन जिहड़ी कलम है वह त्रिखी होनी है, और बड़ा जिहां तुसें भी आख्या कि अनुराधा जी की इत्थे आने पर जिहड़ा आखा करदियां कि मैं नहीं समझा करदी थोड़े कोला ज्यादा मुनासिब इस मौके पर परौने शायद और कोई होई सकदे हे जां नहीं होई सकदे हे, पर तुस इस मौके आस्तै बड़ियां उचित और साढ़े आस्तै बड़ी खुशी दा मौका कि तुस आईयां। जियां उन्हें आखिया कि ते असें दिखना कि तुस डिजर्व करदियां कि नहीं करदियां, बड़ी खुशी और थुआढ़े आस्तै बड़ियां बड़ियां शुभकामना, और डोगरी कन्नै थुआढ़ा ये संबंध और डोगरी संस्था कन्नै थुआढ़ा ये जुड़ाव मेद है कि बड़ी दूरे तक चलग, बड़े बड़े काम होंगन, और डोगरी की जड़ा बड़े चिरे दा उदा हक नहीं मिले दा है, मुनासिब थार नहीं मिले दा, वह जरूर मिलग। इस आशा कन्नै अस लगभग इस कार्यक्रम दे समापन आले पासे बधने आ। मेरे आसिया सबने दा बड़ा दिली शुक्रिया, जड़े व्यूअर्स ने उन्दा भी, जड़े इस आभासी मंच च अस सारे जने कट्ठे आ उन्दा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। ते हुण मैं खेचल दिनी आ डोगरी संस्था दे उप प्रधान श्री ज्ञानेश्वर शर्मा होरें गी कि ओह विधिवत तरीके कन्नै थोड़ा शुक्रिया करन। मेरे आसिया पवन हुंदा को टेक्निकल सपोर्ट दिया करदे न, कन्नै उन्दा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया, थोड़ा सबने दा बड़ा शुक्रिया। म्यूट है थोड़ा जी।
हाँ जी ठीक हुई है मेरे ख्याल है जी 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 हुई है। आज सारे अस बड़े खुशकिस्मत जे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री स्मृति पुरस्कार दे मौके सारे कठे हुए हैं और इस नमे साड़ी नमी टेक्निक है मिलने की वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग एदा पूरा सदुपयोग करा करने हैं। सब को पहले मैं मान योग अनुराधा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। उन्हें आखिया मेरा कद बड़ा छोटा है, मैं समझना अनुराधा जी तुझे साड़ा सारे का कद बड़ा बड़ा करी दिता अपनी शमूलियत करिए, इस करिए अस बड़े धन्यवादी हैं। तुझे अपना समय कटिया और बड़े अच्छे गल्लां कीतियां, इस करिए अस प्रोत्साहित भी हुए हैं। अज दे जड़े साड़े पुरस्कार विजेता सुभाष बाली जी यानी राज मनावरी जी, उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, उन्हें असेंगी एडी खूबसूरत किताब दी है साड़े लिटरेचर की रिच कीता है। इस च शामिल जड़े रामनाथ शास्त्री जी दे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी का परिवार है, अजीत जी उनके भरा लौके भरा डॉक्टर दिनेश जी और एक उनके इंजीनियर भरा भी है उस सुरगवास करिए राजीव खजूरिया जी, तो इनका सारे का बहुत बहुत शुक्रिया जे इन्हें एक ऐसा कदम चुकिया जिस कने साढ़े जड़े सारे राइटर साढ़े लेखक लेखक वर्ग है वह प्रोत्साहित हुंदा है और ऐसा हमेशा जड़ा ये चलदा रहो इयै उम्मीद है असेंगी। और बाकी जो साढ़े सुनने वाले न दिखने वाले न श्रोता जिन्हें भी हैं सुन दर्शक उनका भी मैं बहुत बहुत अपने हृदय की गहराइयों करने शुक्रिया करना। लास्ट में ये आख तौले तौले करोना नसै साढ़े दिलै च फी गले मिलन का उत्सव बसै। धन्यवाद सारे का। पवन जी तुंदा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया, तुसें सारे कार्यक्रम की एदा पूरा टेक्निकल सपोर्ट दी अखीर तक, ते हुण तुस गै कार्यक्रम का समापन करो, बटन दबाइए।